में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बैनर तले पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को भेजकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। शुक्रवार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बैनर तले मुस्लिम नेताओं ने डीएम शैलेंद्र कुमार से मुलाकात से पहले कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी भी की। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को गृह मंत्री अमित शाह के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सह सचिव कौसर हयात खान ने कहा कि देश में शोभा यात्रा में शामिल होकर कुछ असामाजिक लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में 17 अप्रैल को शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए, धार्मिक जुलूसों में शस्त्रों का प्रदर्शन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। सर, क्या नाम है आपका? कैमरे को फोकस करिएगा। मेरा नाम कौसर हयात जी। आज जो आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि इस वक्त देश में कई प्रदेशों में जो एक साथ धर्म संसद और शोभा यात्रा और दूसरे इस तरह के आयोजनों के जरिए देश में जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम लीग समझती है कि ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इसके पीछे पूरी तरह एक योजना बनाई गई है, जगह जगह क्या नाम लोगों को भड़काने की और जगह जगह लोगों में अराजकता फैलाने की। इसलिए कि जो भी जुलूस जा रहा है, सिर्फ एक ही प्रदेश में नहीं, हर एक प्रदेश में जहाँ भी जुलूस चल रहा है, हालांकि वो कहने को धार्मिक जुलूस है, लेकिन उसमें तलवारें और चाकू और दूसरे हथियार खुल्लम खुल्ला लहराए जा रहे हैं। ये कौन सा धार्मिक जुलूस हुआ? ये सारे हथियार लहराए जा रहे हैं, पुलिस चारों तरफ होती है, पुलिस देख रही है कि गैर कानूनी हथियार लहराए जा रहे हैं और नारे एक फिरके के खिलाफ, क्या मुसलमानों के खिलाफ, मैं कहता हूँ खुल्लम खुल्ला नारे लगाए जा रहे हैं, गलत नारे लगाए जा रहे हैं, काटने के मूल्य काटे जाएंगे, इस तरह के नारे लग रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में लग रहे हैं और पुलिस उनको नहीं रोक। सरपरस्ती हासिल है पूरी तरह से और ये देश में अराजकता फैलाने की एक पूरी योजना है। उसके बाद सरकार क्या करना चाहती है वो तो वो जाने, लेकिन वो कुछ लोगों को इस्तेमाल करके पूरे देश में इस तरह का एक हंगामा